नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 23 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने बाय सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाय सेल लेवल्स देखता हूँ, वो भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैंने लाइव डेमो ऑफ इक्विटी मेनली निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, बीच बीच में इक्विटी पेयर ट्रेडिंग ये सब भी दिखा देता हूँ, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग को बताए आप लोग को असेसमेंट आ जाएगा कि आप लोग ये बाय सेल लेवल कितना अच्छा काम करता है और ये कैसे इसको का इसको इसमें इसके ऊपर कैसे काम करना है, ये भी आप लोग को आप लोग को असेसमेंट आ जाएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और आप लोग डिसीजन ले सकता है कि आप लोग मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें अटेंड करेंगे। और ये इसीलिए आप लोग को मैंने इसीलिए आप लोग को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, जो बाय सेल लेवल आप लोग भी कैलकुलेट कर सकता है, वो बाय सेल लेवल्स आप लोग को ट्रेनिंग प्रोग्राम के उसके उसके साथ आप लोग यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देखिए, उसके साथ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, चार्ट सेटअप और भी बहुत सारा ऑप्शन चेन स्ट्रेटेजी, बहुत सारा चीज़ आप लोग को बहुत ही कम में दिखाया जा रहा है। तो आप लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड कर दीजिए, अटेंड कीजिए तो आप लोग को बहुत ही फायदा होगा, इसमें आप लोग भी बहुत आसानी से ट्रेड कर सकता है और वैसे लेवल जेनरेट कर सकता है, मार्केट का मूवमेंट पता कर सकता है। और इसमें और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है मेरा यूट्यूब चैनल पे, जो आप लोग को बहुत ही स्टॉक मार्केट ट्रेड करने का बहुत ही आसान कर देगा, आप लोग को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है। बहुत सारा स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स है जो कि आप लोग को बहुत ही कम पे आ जाएगा। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर मैंने बनाया हूँ, इसका इसमें क्या क्या है और कैसे इसको काम पे लगाना है, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल, वो सब वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। तो उसके बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, जो लोग मेरा कॉल सर्विस लेंगे उसमें उसको उन लोग को मैंने पूरा ये फाइल शेयर कर दूंगा, तो मेरा भी गाइडेंस रहेगा, टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा कौन सा स्टॉक्स में काम करना है और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स कौन सा लेवल पे जरा लेना है, तो वो भी आप लोग को उसमें आप लोग को व्हाट्सएप कॉल भी मिल जाएगा, प्लस आप लोग को फाइल भी मिल जाएगा, तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा, आप लोग खुद भी कर सकता है, मेरा भी गाइडेंस रहेगा, मेरा भी ट्रैकिंग रहेगा, तो आप लोग कॉल सर्विस भी ले सकता है। और इसमें आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर मेरा ये फाइल पूरा शेयर करता हूँ, कुछ दिन वो लेवल्स ऑब्जर्व कर सकता है और जो लेवल्स भी ऑब्जर्व कर सक लेवल्स ऑब्जर्व कर सकता है ना। और ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को इस उधर मिल जाएगा, ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग मेरे को साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को किसी भी सेगमेंट में एक दिन के लिए लाइव डेमो दिखा दूंगा कैसे काम करता है, ऐसे ही मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर लाइव डेमो दिखाता हूँ हर रोज, तो आप लोग को काम पर सुविधा हो जाएगा। और आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिए तो इसलिए आप लोग को फ़ायदा होगा। तो देखिए इधर निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, ठीक है, तो पहले ही मैंने इसका देखिए 9187 में ये क्लोजिंग दिया है, इसके बाद इसका रेजिस्टेंस बनेगा 9187 पे, इसका रेजिस्टेंस बनेगा 9194 में, इसका उसके बाद 9294, उसके बाद 9358, उसके बाद 9454, उसके बाद 9518, तो और नीचे का सपोर्ट रहेगा 9134, नीचे सपोर्ट 9134 के नीचे आएगा तो इसका 9038 सपोर्ट रहेगा, उसके बाद 8980 का आसपास इसका सपोर्ट रहेगा, उसके बाद 8980 का सपोर्ट रहेगा और उसके बाद 8880 के नीचे सपोर्ट आएगा, ठीक है। उसके और भी इसका लेवल देखना है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इसका कैसे मूवमेंट हो सकता है तो ये भी इसका देख सकता है। देखिए इधर 9311 में इसका सपोर्ट है, 9311 जाएगा तो 9868 तक जा सकता है, 9868 तक जा सकता है, उसके बाद 10424 तक जा सकता है, उसका 10424 के ऊपर जाएगा तो 11216 तक आ सकता है, लेकिन इसका 10,016 के 424 या 10,600 या 10,550 600 के ऊपर जाना
थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? तो मैंने दिखाया आप लोग को जो मतलब जो 2008 से जो 5 ट्रेंड में 5 साइकिल में जो ऊपर गया था, उसके बाद इसका करेक्शन हुए भी आ रहा है, इसके यहाँ हुए भी आ रहा है, इसके बाद इसका वे भी करेक्शन आएगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा, ऐसा ही ये इसका प्रोबेबिलिटी दिखता है। फंडामेंटल एनालिसिस भी मैंने कर चुका हूँ, आप लोग मेरा बहुत सारा लास्ट वीडियोस आप लोग रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो हर रोज़ डिस्कस करना तो संभव नहीं है, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और इधर से मैंने थोड़ा सा एक लेवल देख लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा लेवल जो शॉर्ट टर्म में एक आज जो शॉर्ट टर्म में जो एक्चुअली जो साइकिल चल रहा था वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो इधर एक दोस्त में मेरे को क्वेश्चन कर रहा था कि कल निफ्टी क्या हो सकता है, तो उन्होंने सब ऑब्जर्व करेंगे तो इसका लेवल कैसा दिखेगा। तो इधर देखिए, इधर वेव वन गया है, वेव टू, ये वेव थ्री, और ये वेव फोर का जो चल रहा है, ये वेव फोर सॉरी मैंने गलत दिखा रहा है, ये वेव वन दिखा रहा है, ये वेव टू है, ये वेब फोर है, ये इतना तक इसका वेब फोर पकड़ना है, और ये इसके बाद वेब फोर, अभी थोड़ा सा वेब फाइव आके ये वेब फाइव आके ये फिर से ऊपर जा रहा है, वेब फाइव में ये सोच लीजिए 9700 तक ये जा सकता है, 9700 तक ये जा सकता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भी एक लेवल हम लोगों को साथ दिखा देना चाहता हूँ, एक मिनट। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एनीवे तो शॉर्ट टर्म में मैंने इधर से थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोनों साइड से आप लोग को दिखाऊंगा, इसका थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो निफ्टी का लेवल हाँ तो इसमें देखिए शॉर्ट टर्म में इसका जो लेवल दिखेगा, तो इधर 9 टू इधर से ठीक से पता नहीं चल रहा है, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, 8995 के ऊपर जो गया था उसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल आएगा, थोड़ा सा अभी अप ट्रेंड में दिखेगा, अप ट्रेंड चलेगा, थोड़ा सा अप ट्रेंड में है, ये जो इंडिकेटर्स वगैरह है इसका ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इंडिकेटर का धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो ये 9700 9734 उसके बाद 9900 9900 उसके बाद 10500 तक 600 तक ये जा सकता है, उसके बाद फिर से इसका गिरने का चांस है, 3-4 हज़ार या 5 हज़ार पॉइंट गिरने का चांसेस है। तो इसमें देखिए तो ये तो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, ये अप ट्रेंड दिख रहा है, ये जो गन एंगल्स है, ये जो गन एंगल्स है, ठीक है, ये जो गन एंगल दिख रहा है इसका, देखिए ये जो लेवल ब्रेक करेगा, मतलब ये इस गन एंगल का ब्रेक करेगा तो इसके आसपास आने का प्रोबेबिलिटी दिखता है, मतलब 9800 या 9900 के जाने का प्रोबेबिलिटी दिखेगा। कौन सा लेवल? इस लेवल पे, मतलब 9000 का जो ये जो लेवल है, मतलब इसका जो लेवल है इधर जो क्रॉस किया है ये वाला 9438 का ऊपर या 9500 के ऊपर इसका 9900 तक जाने का प्रोबेबिलिटी दिखता है। तो मैंने थोड़ा सा 360 एनालिसिस करके आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा। सो इसलिए जी अभी 12430 ऊपर गया था, 7511 नीचे गया था, तो इसमें ये आपका लेवल है और ये डाउन का लेवल है, ठीक है। तो आप लोग भी समझ सकता है कि इस लेवल तक ये नीचे नहीं आ रहा है, ये 8701 तक, इसके बाद इस लेवल पे देखिए, इस लेवल तक अभी घूम रहा है, ये 9281 में ये इसका क्लोजिंग दिया है, तो सॉरी 9181 में सॉरी कितना में क्लोजिंग दिया है इसका 9187 में,
तो ये लेवल पकड़ के ये चल रहा है। मैंने हर रोज़ डिस्कस करता हूँ और आप लोग को समझने का कोशिश करता हूँ। तो 9187 में ये दिया है, तो इसके बाद 938 इस लेवल पे 9261, 9294, 9388, इसके बाद ये 928 तक तो गया था। इसके बाद 9482, 9508, 9576, 9670, 9764 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटी है इस साइकिल में, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भी आप लोग को दिखाऊंगा। सोच लीजिए, इधर 9390 तक हाई गया था, ठीक है, आप लोग भी देख सकता है। डेट मैंने एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये 9390 ये चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं। इधर कौन सा डेट में, 20 अप्रैल, ये 9390 तक गया था, ठीक है। और इसका लो, रिसेंट लो गया था 8909 तक, इसका लो गया था वो काली हुआ था, ठीक है। ये देखिए 8909 इसका मतलब 21 अप्रैल इसका रिसेंट लो है, ठीक है। तो मैंने रिसेंट लो को भी बैठा लेता हूँ, तो आप लोग फिर वो भी देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि थोड़ा सा अप ट्रेंड इस लेवल पे पकड़ के चल रहा है, इस लेवल पे नीचे नहीं आ रहा है। 9090 से 9272, 9190, 8498920 तक आया था, 8920 का नीचे जाएगा तो 8803, 8764, 847 तक आने का प्रोबेबिलिटी है। तो इधर ऊपर का जो लेवल है, तो इसका इधर 9203 के ऊपर 9243, 9344, 54, ये सब लेवल मतलब 9799 तक इसका लेवल दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने इसी ऐसे करके आप लोग को जस्ट चार्ट को एनालिसिस करने का कोशिश, मतलब निफ्टी का मूवमेंट का एनालिसिस करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग को इसके बाद बैंक निफ्टी को देखूँगा, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा चार्ट को खींच कर, चार्ट को खींच के नीचे लाना पड़ता है। उसके बाद अरे यार तो तेरी की, ओहो चार्ट को थोड़ा, बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड है, आप लोग देख सकते हैं। इधर थोड़ा क्लियरली अप ट्रेंड दिखा रहा है, इधर भी अप ट्रेंड दिखा रहा है। और थोड़ा जो लॉन्ग टर्म जो मूविंग जो ट्रेंड ट्रेंड लाइन है वो भी थोड़ा सा धीरे धीरे अप जा रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस फर्स्ट बनेगा 19,000, ये कितना दिखा रहा है, 19,784 दिखा रहा है। उसके बाद एक 20,159, 20,400, 428, उसके बाद ये 20,842, उसके बाद इसका जो दिखा रहा है 21,122, 21,122 तक गया था, 21,122 तक जा सकता है। उसके बाद ये ऊपर जो जाएगा और भी ऊपर जाएगा तो 21,406, 21,727, ये सब लेवल पकड़ के ये जाएगा, ठीक है। आप लोग भी मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आप लोग को ये चार्ट का भी लेवल्स आप लोग को सिखा दूंगा। और नीचे वाला जो लेवल्स है इसमें 19,516, 19,141, 18,872, 18,497, 18,419, 18,077, 18,742, इसका नीचे थोड़ा सा खींच के देखना पड़ेगा। ये 16,221 तक आ सकता है। एक मिनट दोस्तों, इधर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में सॉरी थोड़ा सा इसका जो अप गया था इसका इसका भी मैंने थोड़ा सा आप लोग को 360 एनालिसिस करके भी दिखाता हूँ। इसका भी 360 एनालिसिस करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए इधर ये 20,905 19,000 का लेवल पे है, 19,700 का लेवल पे, ये इस लेवल पे पकड़ के ये चल रहा है। इसका मतलब कौन सा पाथ में मूवमेंट हो रहा है वही आप लोग को समझने का कोशिश करूँगा, कोशिश करता हूँ कि 19,700 का ऊपर है तो इस लेवल पे ये सब लेवल्स इसका आने का चांसेस है। और ये जो रिटेस होगा तो इसका ये ऐसा लेवल आएगा, तो इसका जब फिर से इसका ऊपर जाएगा तो फिर से ये लेवल पकड़ के ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसका जो भी बैंक निफ्टी का भी रिसेंट जो हाई था सोच लीजिए 21,122, ठीक है, 21,122 रिसेंट हाई था। तो 21,122 का जब मैंने रिसेंट हाई पकड़ लूँगा, 21,122 का लेवल जब पकड़ लूँगा और
रिसेंट लो इसका जो था इसका देखिए नीचे वाला नीचे जो आया था ये 714 का लेवल आया था, वो नीचे आएगा तो इसका 19537, 19243, 19009, इसका नीचे 18475 इस लेवल पे ये आ सकता है, ठीक है। और इसका जो लेवल है आज इसका लो कितना हुआ था, आज इसका लो कितना हुआ था, आज इसका लो हुआ था 19051, ठीक है। और इधर ये तो फ्यूचर्स का लेवल है, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो रिसेंट लो था वो भी कल का ही था, 19247 तक ना इसका रिसेंट लो था 18703, ठीक है, 18703 मैं पकड़ता हूँ। तो इसका 18703 मैंने सभी साइट में कोशिश करता हूँ कि मैंने इसके बाद डेली का जो डाटा है, मतलब आज का जो डेली डाटा है उसको भी मैंने बैठाता हूँ उस उधर से भी एनालिसिस करता हूँ कैसे इसका लेवल आता है। ये कितना देखा, 18000 तरीकी, हाँ 18703, 18703, 18703, तो 18703 के ऊपर ये देखिए 688, इसके बाद 871 तो शायद चला गया था, आज थोड़ा सा हाई गया था, 18837 ऐसा कुछ हाई गया था, 18806 तक गया था, ठीक है। इसके बाद ये 800 इस लेवल पे पकड़ के ये ऊपर जाएगा तो ऐसा लेवल पे आ सकता है, और नीचे जाएगा तो इसका लेवल ऐसा हो सकता है, ये आप लोग नोटिस कर सकता है, ठीक है। तो मैंने इसके बाद अच्छा पहले तो इसका लेवल्स तो आप लोग को बता दिया, इसके बाद थोड़ा सा जो ये सब लेवल्स भी आप लोग को नज़र आ जाएगा। आप लोग ट्रेनिंग जो को कुछ लोग शायद जानता है ये सब टूल्स का कैसे यूज़ किया जा सकता है। इधर देखिए, इधर मैंने इधर से एक मिनट मैंने इसको क्लोज करता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा होता है। इधर से 32000 तक इसका हाई गया था, थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, 32600 तक इसका हाई गया था, लो गया था कुछ 16116 तक, ठीक है। तो इधर देखिए ये क्या लेवल निकल के आ रहा है, 19844 का नीचे ये जाएगा तो इसका 22151, इसमें मेरा सेटिंग्स भी करना पड़ेगा, इधर जो थोड़ा सा सेटिंग्स भी करना पड़ता है, ऐसे आप लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, कुछ इधर से सेटिंग्स करना पड़ता है, ये सब एक्टिवेट करना पड़ता है, कुछ एक्टिवेट करना पड़ता है, इसको भी रिवर्स करना पड़ता है, तब तो भी जाके ये लेवल आता है, ठीक है। तो इधर देखिए 19497 के नीचे ही जाए 16116 का आ सकता है, 22151, 24015, 25859, तो 28186 तक ये जा सकता है, उसके ऊपर जाएगा तो इसका अप ट्रेंड आ जाएगा। और नीचे ये 19497 इसका नीचे 16116 तक इसका आने का प्रॉबिटी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में आ जाएगा, ये सभी लेवल ऊपर का लेवल या नीचे का लेवल ये थोड़ा सा अप डाउन करके करते ऊपर नीचे करेगा, 11819 तक ये आ सकता है, फिलहाल आप लोग अप ट्रेंड ही है यही मान के चलिए, ठीक है। इसका तो लेवल्स आप लोग को दिखा दिया है, उसके बाद थोड़ा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन में इसका निफ्टी का जो है, निफ्टी का निफ्टी तरीकी का ऑप्शन चेन में इसका देखिए, इसका पीसीआर रेशियो 1.18, मतलब 1.19 है,
इधर 9500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। इधर थोड़ा सा हल्का सा मतलब इधर लॉन्ग अनविंडिंग हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, लेकिन इसका जो नीचे वाला लेवल्स पे ये लॉन्ग बिल्ड अभी दिखा रहा है, ठीक है। ये इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, 9500 में थोड़ा सा लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, लेकिन 9500 का लेवल में लॉन्ग अनविंडिंग, लेकिन इधर थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब इधर सब लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, मतलब 9500 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन 9300-400 का तक ये आ सकता है। और इधर इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होना है पुट साइड में, 9000 में, 9000 का नीचे आएगा तो ये बहुत ही नीचे, 9000 का नीचे इसका इधर देखिए ये हेवी शॉर्टिंग ऑलरेडी हो चुका है, कुछ लॉन्ग बिल्डअप आ सकता है, तो इधर थोड़ा बहुत अप ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन नीचे कभी भी ये आ सकता है। फिलहाल आप अप ट्रेंड मतलब वेरी शॉर्ट टाइम स्पेन आप लोग पकड़ेंगे तो ये अप ट्रेंड है। तो इसमें और इधर बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन दिख रहा था, निफ्टी का ऑप्शन चेन में पीसीआर रेशियो मैंने देखा नहीं, कैलकुलेट किया नहीं, 3048, 3048 डिवाइडेड बाई 4092.074 आ गया, मतलब थोड़ा सा नीचे का सर्किट में है। और इधर 21000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और 19000 में पुट साइड में इधर शॉर्ट बिल्डअप, दोनों साइड शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लेकिन इधर 21000 इधर 82 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 82000 कंपेयर टू इधर 84000, तो इधर थोड़ा सा ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा मतलब पुट शॉर्टिंग ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा मतलब अपटेंड दिखाने का प्रोबेबिलिटी है बनता है। और इधर प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, प्रोबेबिलिटी आप लोग देख सकता है, प्रोबेबिलिटी इधर 9000 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एक दिन का हिसाब से, और 19000 का भी इधर 19000 मतलब डाउन ट्रेंड प्रोबेबिलिटी डाउन में दिखा रहा है, लेकिन इधर मैंने 9400 कर दूंगा तो इसका प्रोबेबिलिटी मतलब स्लाइडली चेंज करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी देखिए बढ़ गया है, ठीक है। इसका 21000 है, इसका 20500 कर दूंगा तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगा, देखिए आप लोग इधर का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अपटेंड भी अपटेंड है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपटेंड नहीं है, रहेगा रेंज बाउंड रहेगा, अपटेंड रहेगा लेकिन रेंज बाउंड रहेगा, इसे यही कंक्लूशन निकल के आता है प्रोबेबिलिटी चार्ट एनालिसिस करके और जो थ्री सिक्सटी के एनालिसिस करके, और जो मतलब डेली का जो 360 के एनालिसिस का आप लोग रात में मतलब जो बाई सेल लेवल्स का जो फाइल मतलब वीडियो बनाता हूँ वो फॉलो कीजिए, उसमें बहुत सारा लेवल्स आप लोग को दिखाता हूँ। अभी जो मतलब ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए जो जितना सा ज़रूरत होता है वही दिखाता हूँ, रात में सबका लेवल सबके सब लेवल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें जो 360 का एनालिसिस, 360 डिग्री एनालिसिस में क्या, और ये डेली का हिसाब से बनता है, ये 9169 ये ऑलरेडी 9087 का ऊपर है, ठीक है। तो इधर 9241 का ऊपर जाएगा तो इसका मतलब इसका नज़दीक है, अपटेंड का नज़दीक है, तो ये ऊपर जा सकता है, और कितना ऊपर जा सकता है आप लोग ये देख सकता है, ठीक है। और ये नीचे वाला लेवल में ये 9093 का नीचे आएगा तो ये इसका लेवल नीचे आएगा, तो नाइन देखिए ऑलमोस्ट जो बाई का लेवल से सेल का लेवल से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दूर है, और बाई का लेवल से कुछ 50-60 पॉइंट ऊपर है, तो इधर ये पता चलता है कि ये ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही है, और देखने का भी ज़रूरत नहीं है इतना, तो भी बैंक निफ्टी का भी नोट आप लोग खुद कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। वो लेवल दिखा दिया, और जो लेवल दिखाने का है इधर थोड़ा सा इधर से कुछ एटीआर का एटीआर वाला लेवल्स आप लोग को दिखा देता हूँ, एटीआर वाला जो लेवल्स है फिबोनाची का जो एटीआर वाला फिबोनाची का जो लेवल्स है एटीआर वाला लेवल और स्टैंडर्ड डिवीजन का लेवल,
ये देखिए इधर से जो बाई एंट्री और सेल एंट्री आप लोग नोटिस करते रहिए इधर से, ये ऐसे होगा तो ये टू वन डिलीट टू रेंज वन का हिसाब से दिखाता हूँ, और ये 8K7 का कुछ ज़रूरत नहीं है, और 8K14 पीरियड का आप लोग नोटिस कीजिए 9267 के ऊपर, 19,958 के ऊपर फ्यूचर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे का लेवल भी आप लोग देख सकते हैं, और ये है तो 30 डेज का हिसाब से आप लोग नोट कर सकता है, क्योंकि जो लोग डिलीवरी करना चाहता है वो लोग भी वो लोग नोट कर सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है गन एंगल्स का डेली का हिसाब से, ठीक है, 9197 के ऊपर टू रेंज के ऊपर, और इधर सेल का लेवल्स इतने ऐसा ऐसा है, और ATR 14 का हिसाब से। देखिए मैंने इतना सारा लेवल दिखाता हूँ, मैं तो समझता हूँ क्यों दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा तो मेरे को ज़रूर पूछिए और फीडबैक दीजिए, ये आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा, और आप लोग को इसको ट्रेनिंग भी आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग भी खुद कर सकता है, ठीक है। ATR 14 और इधर स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर आप लोग देख सकता है, ये भी जो लोग डिलीवरी बेसिस करेंगे तो इसका आप लोग को काम पे आएगा, 15 डेज का हिसाब से, 7 दिन का हिसाब से, ये सब लेवल आप लोग नोट कर सकता है। और देखिए इधर जो इंडिया वीक्स का हिसाब से, जो इंडिया वीक्स का लिंक करके जो लेवल दिया है, तो ये देखिए 9277 के ऊपर 9443 ऐसे रिवर्सल देखेंगे तो ऐसे जाएगा, क्योंकि अभी रिवर्स और बॉटम आउट होगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसका लेवल आएगा, ये सबसे बहुत ज़्यादा चीज़, ये सब इंडिकेटर्स है एक्चुअली, इस इंडिकेटर से पता चलता है कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ पर जा सकता है, इस लेवल पर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, मैंने बाइसेल लेवल जब दिखाऊंगा तो आप लोग के साथ फिर देखिए, आप लोग जरूर देखिएगा, और आप लोग ट्रेनिंग के बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए बहुत ही वाइटल है।